हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अभी से। मैं जा रही हूँ आज पंडोह एक धाम खाने के लिए। कहाँ जा रही हूँ मैं धाम खाने, तो आपको दिखाऊंगी मैं आगे। मैं जा रही हूँ आज लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहाँ पर है धाम। तो चलिए चलते हैं धाम खाने, मंडियाली धाम दिखाऊँगी मैं आज आपको पहली बार अपने ब्लॉग में। तो ये आ गई मेरी बस, इसके ऊपर मैं जाऊँगी अभी। तो अभी जो है मैं पंडोह बाज़ार में पहुंच चुकी थी और बस से उतर गई थी। यहाँ पर हमने जो है एक कार जो है वहाँ मंदिर तक जाने के लिए जो है कर ली, क्योंकि बस जो है अभी आने में जो है काफ़ी लेट कर रही थी। तो हम ऐसे भी घर से ही लेट हो चुके थे, तो फिर कार कर ली हमने एक, तो उसमें ही चले गए सब। और मेरे को और भी सहयोगी साथ में जाने के लिए मिल गए। और थोड़ा सा मैंने पंडोह बाज़ार का जो है व्यू आपके साथ शेयर कर लिया, क्योंकि जब से मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी है तो तब से मैंने आपके साथ कभी भी जो है बाज़ार का, जो कि हमारी मेन मार्केट है पंडोह बाज़ार, उसका जो है आपके साथ बिल्कुल भी व्यू शेयर नहीं किया है। तो आज मैंने सोचा कि मैं मंडियाली धाम खाने तो जा ही रही हूँ, तो आपके साथ थोड़ा सा पंडोह का नज़ारा भी शेयर कर लेती हूँ। जिन्होंने पंडोह को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी YouTube वीडियो के माध्यम से जो है पंडोह को देख लीजिए। तो ये मैं बटालियन के नीचे से जा रही हूँ और यहाँ आगे जो है सैले होटल और साथ में पेट्रोल पंप भी है और पुलिस चौकी का गेट भी है दूसरी साइड से। और फ्रेंड्स व्यू देखिए कितना सुंदर है और धूप जो है बहुत ही अच्छी लगी हुई है और साथ में जो है ब्यास नदी जो है आपको दिख रही है नीचे से जाती हुई। और अभी जो है हम तीन पीपल के पास जो है पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ पर है वर्कशॉप जहाँ पर गाड़ी वगैरह की रिपेयरिंग होती रहती है। और ये है ज्वाल क्लिनिक, ज्वाला क्लिनिक पता नहीं कुछ ऐसे ही है नाम है कुछ ऐसा ही। और ये है तीन पीपल और यहाँ से आगे है पीएनबी बैंक और बस इससे थोड़ा ही आगे जो है मंदिर के पास हम पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पर है नीचे की तरफ को गुरुद्वारा। यहाँ नीचे को और उधर से देखिए फ्रेंड्स फोर लाइन जा रहा है उधर से, थोड़ा थोड़ा आपको बीच में जो है दिख रहा होगा। और अभी जो है हम पहुँच गए लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास और गाड़ी से जो है उतर गए और यहाँ पर जो है नीचे की तरफ जो है जा रहे हैं। और डेकोरेशन इस तरह की है मंदिर की। वैसे तो मैंने आपके साथ मंदिर का पूरा जो है शेयर करना था, लेकिन यहाँ पर जो है टेंट हाउस वगैरह सामियाने वगैरह लग चुके हैं। और यहाँ पर हमने जो है हैंड वॉश कर लिए खाने से पहले, धाम खाने से पहले। और मैंने खुद से भी जो है हाथ धो लिए फिर। और चलिए चलते हैं धाम के लिए। जो है इस तरह की पत्तल दी जाती है हमारे और गिलास, और हम जो है नीचे बैठ के ही टाट पट्टी के ऊपर ही धाम खाते हैं। और जो हमारे बोटी वगैरह है वो रोटी से और बिना जो है चप्पल से ही बांटते हैं। अभी ये जो है चावल बांट रहे हैं बोटी। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन जो है जो बोटी होते हैं वे चप्पल बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। जब जो है यहाँ घेड़ी में जो है हमारे जो लाइनें बैठती है ना खाना खाने की, तो उसको घेड़ी बोलते हैं। तो पहले पहले जो है मंडियाली धाम में मीठा आता है, तो इसके बाद में आ गया था गंडियाली का दम और इसके बाद में कद्दू का खट्टा और मटर पनीर और फिर उसके बाद में आ गया था खट्टा कोल का और माह की दाल और कड़ी। और फिर चली गई थी मैं अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर में
तो वहाँ का मैंने थोड़ा सा व्यू आपके साथ शेयर किया। ये मंदिर जो है बहुत ही सुंदर है और देखिए कितनी सुंदर कारीगरी की गई है मूर्तियों की, और मुकुट वगैरह भी पहनाए गए हैं मूर्तियों में। और यहाँ पर कुछ औरतें जो है कीर्तन भजन भी कर रही थी और पूरा एंजॉय कर रही थी। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, क्योंकि आज जो है बारात नहीं आई थी, बारात जो है कल आएगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है डेकोरेशन का आपके साथ शेयर किया। कुर्सियाँ जो है इधर उधर कर रखी थी बच्चों ने, पूरी तरीके से अरेंज नहीं की हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ यहाँ का भी शेयर कर लेती हूँ। और ये है दूल्हा दुल्हन की कुर्सी, और यहाँ पर भाभी जो है मेरा मजाक उड़ा रही थी, घी भी काट रही थी और मेथी भी डाल रही थी। ये भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे वीडियो को पूरे तरीके से पूरी फैमिली इनकी वॉच करती है, तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि ऐसा ऐसा करती है तो वीडियो में। और साथ में जो है ये भी गांव के ही हैं। और साथ तो धाम से जो है मैं वापस आ चुकी हूँ। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमारी काउंटिंग जो है बढ़ती है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, इससे हमारी जो है YouTube फैमिली की काउंटिंग जो है ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और जिससे मेरी नोटिफिकेशन जो है आपको जल्दी से जल्दी आ जाएगी। यही था आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलूंगी अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।